मध्य प्रदेश में बेटियों से दुष्कर्म की घटना के विरोध में कांग्रेस बेटी बचाओ अभियान चला रही है और इसी के तहत रीवा के गुढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस नेताओं ने कन्या पूजन और उपवास किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने महिला और बेटियों के साथ हो रहे अपराधों को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए खबर चल रहा है हमारे पवन तिवारी सेवक कि इनका नारायण जैसे है, जैसे दीवारों में लिख जाता है कारण पूरे प्रदेश में और खासकर गुढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो कन्यान के साथ अत्याचार और उनके ऊपर अपराध हो रहा है उसके विरोध में एक कार्यक्रम रहा और प्रशासन को ये चेतावनी खेतर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम न करके जो जनता के प्रति उनका दायित्व है उसके पालन में न्याय संगत कार्य क्षेत्र में की गया। उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि सब बिंदुओं के जांच करके त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जो बिंदुएं हैं उन पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। ये जो उच्च स्तर से कार्रवाई हो रही है उसके लिए हम उच्च स्तर पर आपके ज्ञापन को प्रेषित करेंगे ताकि उच्च स्तर से जो भी कार्रवाई होनी है, जो भी जांच होनी वो हो सके। हमारे स्तर से, तहसील स्तर से और जो थाना स्तर से है वो मैं और टीआई साहब आपको पूरी तरह से आश्वासित करते हैं कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। सक्रिय और जागरूक नागरिक हैं, आपके द्वारा जो बिंदु उठाए गए हैं उनकी विधिवत जांच की जाएगी और जो भी कार्रवाई विधि संगत होगी वह कार्रवाई होगी। धन्यवाद।